हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो लॉ की इस दुनिया में आपका हर स्वागत है। तो चलिए, आज इस लेक्चर नंबर 10 में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मिताक्षरा स्कूल एंड दयाभाग स्कूल ऑफ हिंदू। हिंदुओं में जो होती है दो तरह के स्कूल हैं। पहला हम लोगों ने देखा था कल मिताक्षरा और दयाभाग स्कूल। तो चलिए आज हम लोग अच्छे से उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, कई कई मीडियम्स के अकॉर्डिंग टू द ज्वाइंट फैमिली, सर्वाइवरशिप, तीसरा है विडोज राइट्स, चौथा है हमारा सपेंडा या ईयरशिप कहते हैं। चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मिताक्षरा एंड दयाभाग। तो ये डिफरेंस क्या है मिताक्षरा और दयाभाग का? तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं अच्छे से। मिताक्षरा, मिताक्षरा एंड दयाभाग। तो ये सबसे पहले हम लोग समझते हैं मिताक्षरा और दयाभाग। जो हम लोगों ने कल देखा था कि मिताक्षरा जो है डील्स विद द ऑल द टाइटल्स ऑफ लॉ। लॉ में जितने भी टाइटल्स हैं, जितने भी संदर्भ हैं, हेड्स हैं, उन सभी से मिताक्षरा स्कूल डील्स करती है ना, उस पर फोकस करती है। बट दयाभाग जो है किससे डील्स करेगी? ओनली पार्टीशन एंड इनहेरिटेंस। तो क्या है मिताक्षरा पूरे इंडिया में क्या है? फेमस है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में क्या है ये प्रचलित है। जबकि दयाभाग जो है वो प्रिवेलेंस है ओनली बंगाल एंड असम में, क्योंकि बंगाल और असम में क्या है मिताक्षरा फेमस नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्वाइंट फैमिली के अकॉर्डिंग देखते हैं कि मिताक्षरा और दयाभाग में क्या डिफरेंस है। असन ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रैंडसन ग्रेट ग्रैंडसन एक्वायर राइट बाय बर्थ, एक्वायर राइट बाय बर्थ इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। चलिए दयाभाग में क्या है कि देर इज नो सच राइट, देर इज नो सच राइट, सच राइट बाय बर्थ, ऑनरशिप अ सन सन या ऑनरशिप ऑफ सन, ऑनरशिप ऑफ सन अराइजेस only on the death of father, death of father। तो चलिए क्या है यहां पर, ध्यान से देखिए आप लोग कि यहां पे एक सन कोई बेटा या फिर उसके पोते जो है, है ना, या फिर ग्रेट ग्रैंडसन, पर पोता जो है वो उसके पास अधिकार है जन्म से अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी संपत्ति पर। तो मिताक्षरा स्कूल में क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा स्कूल, कि कोई भी यदि कोई पूर्वज है, सपोज कोई दादा दादी है ना, परदादा है, तो उसकी संपत्ति पर उसके बेटे, उसके पोते, उसके परपोते का अधिकार होगा जन्म से। ठीक है, तो ये मिताक्षरा स्कूल के अकॉर्डिंग है। लेकिन दयाभाग स्कूल की बात करें, अकॉर्डिंग टू दयाभाग स्कूल देयर इज नो सच राइट बाय बर्थ। तो जन्म से कोई इस तरह की अधिकार नहीं होते हैं दयाभाग स्कूल में। तो क्या होते हैं? ऑनरशिप
जो मालिकाना हक होता है बेटा का arises आएगा only on death of the father। इसमें मेजर डिफरेंस यही है कि यदि पिता पोता या पिता या फिर दादा किसी भी बड़े का यदि मृत्यु होती है बड़ों का, उसके बाद ही उसके बेटे पोते का उस संपत्ति पर अधिकार होगा, मालिकाना हक होगी। तो मिताक्षरा और दयाभाग स्कूल में क्या डिफरेंस हुआ कि यदि मिताक्षरा स्कूल में ये हुआ कि जितने भी पूर्वज हैं हमारे दादा दादी पिता है ना दादा दादी, इन सभी पर जो है बेटा पोता पर पोता है ना पोती किसी का भी जो है यहाँ पर क्या है यहाँ पर अधिकार आज क्या है कुछ चेंज हुआ है लॉ में। लेकिन यदि हम बात करें मिताक्षरा स्कूल की तो सिर्फ और सिर्फ मतलब जीवित रहेंगे तो अधिकार उनकी होगी, यानी कि कोई अगर पिता दादा है ना दादी अगर जीवित हैं तो जीवित रहते हुए भी वो बेटा पोता या परपोता उस संपत्ति का क्या करेगा लुप्त उठा सकेगा, उस संपत्ति का लाभ उसे मिल सकेगा। लेकिन दयाभाग स्कूल की बात करें तो दयाभाग स्कूल में इसका बिल्कुल भी नहीं है, इसका ठीक विपरीत है कि उसमें क्या है मृत्यु होने के बाद जो है आगे वाली जो भी है संतानें जैसे बेटा है पोता है उस सब उस संपत्ति पर उसका अधिकार होगा कोई पिता या उसके दादा दादी की मृत्यु के बाद। ठीक है चलिए, तो इसके मेजर डिफरेंस है मिताक्षरा और दयाभाग स्कूल में। चलिए अब हम लोग जो है ये किस बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो ये जो है ज्वाइंट फैमिली के बात कर रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली यदि है तो उस बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं ज्वाइंट फैमिली जहां सभी कोई क्या करते हैं एक साथ रहते हैं ज्वाइंट फैमिली करते हैं इसको है ना, एक दूसरे से लिंक्ड फैमिली को सोचते हैं ज्वाइंट फैमिली। तो देख सकते हैं ज्वाइंट फैमिली के बेसिस पे हम दो बातें कर ज्वाइंट फैमिली के बेसिस पे हम लोग मिताक्षरा और दयाभाग में डिफरेंस कर रहे हैं कि कोई बेटा या पोता या परपोता जो है वो उसको अधिकार मिल जाता है जन्म से अपने पूर्वजों की संपत्ति पर। लेकिन दयाभाग स्कूल में बात करें कि कोई भी अधिकार नहीं है जन्म से, इसमें जो भी बेटे की जो मालिकाना हक होगा वो तभी आएगा जब उसके पिता की मृत्यु होती है। तो इस तरह से जो है दयाभाग और मिताक्षरा स्कूल में डिफरेंस है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑनरशिप है ना, ऑनरशिप तो हम लोग देख लिए मालिकाना हक है, सर्वाइवरशिप के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। तो सर्वाइवरशिप में क्या है कि सर्वाइव करना है ना, सर्वाइवरशिप तो मतलब कि आप सपोज आप जो हैं अभी क्या है कि आप घर पर हैं अपने घर पर, तो अपने घर पर यदि हैं तो आप सभी सामान का अच्छे से लुत्फ़ उठा रहे हैं, टीवी देख पा रहे हैं, स्मार्टफोन चला रहे हैं है ना, स्पीकर ऑन करके गाना सुन रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। तो आप यदि आपके पेरेंट्स ये नहीं है तो ये कर रहे हैं, सपोज आपके पेरेंट्स घर पे नहीं है, आप टीवी देख रहे हैं, स्मार्टफोन चला रहे हैं है ना, सारे फूड जंक फूड खा रहे हैं और आप जो है स्पीकर चला के जो है गाना सुन रहे हैं, तो ये सारे काम कब कर रहे हो आप अपने पेरेंट्स के अब्सेंट में। तो ये जो है दयाभाग स्कूल कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये दयाभाग स्कूल। मिताक्षरा स्कूल तब कहलाएगा जब आपके पेरेंट्स के उपस्थिति में आप इन सभी संसाधनों का उपयोग करें, आपके माता पिता घर पर हैं आप तब टीवी देखो, स्मार्टफोन चलाओ, जंक फूड खाओ ठीक है, स्पीकर लगा के गाना सुनो, ये तभी काम करेगा। ये कब आप यूज कर रहे हो इस सोर्स का, जब आपके माता पिता घर पर हैं, तो ये मिताक्षरा स्कूल के अकॉर्डिंग हो जाती है ठीक है। तो दयाभाग मिताक्षरा स्कूल में ये डिफरेंस कराता है अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट फैमिली। अब हम लोग आते हैं सर्वाइवरशिप पे, सर्वाइवरशिप। तो चलिए सर्वाइवरशिप में हम लोग देख लेते हैं सर्वाइवरशिप क्या है, देखिए ध्यान से। दयाभाग तो सर्वाइवरशिप क्या है सर, सर्वाइवर सर्वाइवर शिप, सर्वाइवरशिप। तो सर्वाइवरशिप के अकॉर्डिंग सर्वाइवरशिप के अकॉर्डिंग हम लोग जो है मिताक्षरा और दयाभाग में कुछ हम लोग डिफरेंस देखते हैं। पहला डिफरेंस है कि ब्रदर्स हु इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ
प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर फादर have the right of survivorship. तो survivorship की क्या है, survivorship में ये है difference. तो survivorship के according मिताक्षरा स्कूल कहता है कि जो brothers हैं, है ना, कोई दो भाई हैं, वो अपने पिता से क्या करते हैं, संपत्ति को उनको मिल जाती है, ठीक है, तो उनके पास सर्वाइवरशिप करने का अधिकार है. क्या कहते हैं, सर्वाइवरशिप. अब है सर्वाइवरशिप में दया भाव क्या है, दया भाव में है कि दया भाव डज नॉट रिकॉग्नाइज सच सर्वाइवरशिप. तो इस तरह की सर्वाइवरशिप इसमें नहीं होती. क्या है ये सर्वाइवरशिप, समझिए ध्यान से. तो होती क्या है कि अगर संपत्ति का सही सही इस्तेमाल यदि कोई भी भाई है ना, दो भाई हैं, संपत्ति का यदि सही से इस्तेमाल है, दोनों अगर अपने पेरेंट्स की उपस्थिति यानी पेरेंट्स अब जीवित हैं तो कर रहे हैं, अगर अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का उपयोग यदि दो भाई कर रहे हैं उसके जीवित होने पर, तो उसको मानेंगे हम मिताक्षरा स्कूल के अकॉर्डिंग, ठीक है. यदि दयाभाग स्कूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसमें नहीं होता ऐसा. उसमें क्या है कि आप लोग जैसा मैंने बताया कि अगर मृत्यु हो जाती है ना पेरेंट्स की, तो उसके बाद अगर वो यूज करेंगे तो उसको मान्यता मिल जाती है. तो दयाभाग डज नॉट रिकॉग्नाइज, उसको स्वीकृति नहीं मिलती है इस तरह की सर्वाइवरशिप करने के, सर्वाइव करना है ना, सर्वाइवरशिप, ठीक है. तो ब्रदर्स क्या है यहाँ पर, कि ब्रदर्स हु इनहेरिट द प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर फादर हैव द राइट ऑफ सर्वाइवरशिप, ठीक है. यानी कि जो है भाइयों को ये मिला हुआ है, उनको ट्रांसफर है वो करेक्टर प्रॉपर्टी इनहेरिट किससे, अपने पिता से, सर्वाइवरशिप का अधिकार उनको मिला हुआ है, वो सस्टेन करेंगे अपने लाइफ को, वो सोर्स का उपयोग करेंगे सही से. दया भाग में डज नॉट रिकॉग्नाइज्ड सच सर्वाइवरशिप, इस तरह की सर्वाइवरशिप जो है करने की अधिकार स्वीकृत नहीं किया गया है दया भाग स्कूल के अकॉर्डिंग. चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं थर्ड कंसेप्ट जो डिफरेंट डिफर कर देगी दया भाव और मिताक्षरा स्कूल, वो है विडोज राइट. क्या है, विडोज का राइट. तो विडोज राइट, विडोज राइट, विडोज राइट, देखिए ये क्या करती है, इसमें है कि when one of the brothers die then widows can succeed to share कर सकते हैं. तो इसमें क्या है कि widows cannot succeed but is entitled to maintenance. तो क्या है ये कि when वन ऑफ द ब्रदर्स, यानी भाई जो है, भाइयों की दोनों में से कोई एक भाई की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो विडोज कैन सक्सीड टू द शेयर, जो भाई मृत्यु हुई है उस भाई की जो पत्नी है वो अपने सारा चीज शेयर कर सकती है, ठीक है. तो विडोज के अधिकार है कि वो भी शादी कर सकती है अपने भाई के साथ, यानी कि अगर एक भाई कुमारा है, एक भाई शादीशुदा है, अगर भाई की मृत्यु हो जाती है शादीशुदा में, तो जो मतलब जो उनकी पत्नी है वो दूसरे भाई के साथ क्या कर सकती है, शादी कर सकती है, ठीक है. सक्सीड टू द शेयर अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा स्कूल.
अब दयाभाग स्कूल में क्या है, दयाभाग में है कि विडोज कांट सक्सेस, उसमें है कि ऐसा कोई भी रूल नहीं है, है ना, मृत्यु हो गई है तो उसकी जो पत्नी है वो नहीं करेगी शादी उसके साथ, ठीक है, विवाह नहीं करेगी, बट इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, बट उसके पास वो अधिकार है कि वो खुद को मेंटेनेंस रखे, है ना, वो वही रहे, उसी जगह पर रहे, उसी घर पर रहे, है ना, घर परिवार में रहे, वह अन्यत्र नहीं उनको जाना पड़े, उनकी भी मेंटेन हो, वो वहां पर रहे, है ना, उसको भी अधिकार है जीवन यापन करने का, किसी के साथ शादी नहीं कर सकते वो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दयाभाग। तो मिताक्षरा और दयाभाग में क्या डिफरेंस है, अकॉर्डिंग टू दी विडोज राइट, तो जो विडोज के अधिकार है उसमें क्या कहता है कि अगर दो भाई है, उसके एक की मृत्यु हो जाती है, दूसरा कुमारा है, जिसकी मृत्यु हो उसकी पत्नी दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं, इसमें अकॉर्डिंग टू मिताक्षर स्कूल, दयाभाग स्कूल में ऐसा नहीं है, दयाभाग स्कूल में है इसके ठीक विपरीत, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं सपेंडा, इसको हम कहते हैं ईयरशिप, चलिए सपेंडा और ईयरशिप क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। सपेंडा, सपेंडा, सपेंडा और ईयरशिप, ईयरशिप इसमें क्या है कि द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप ऑफ सपेंडा, arises according to community of blood according to Mitaksha school, Dayabhag school में क्या है कि the earship arises by means of sapenda sapenda ya pinda offsprings, pinda offsprings देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स कहते हैं इसको, बेनिफिट्स, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। तो ध्यान से देखिए आप लोग कि मिताक्षरा में हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं, मिताक्षरा और दयाभाग में, उसमें जो फोर्थ कंसेप्ट है वो हमारा है सपेंडा, इसको ईयरशिप कहते हैं। इसमें क्या है कि इसके जो रिलेशनशिप होते हैं, द रिलेशनशिप ऑफ सपेंडा वो तभी आता है जिसके अनुसार आएगा ही अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी ऑफ ब्लड, यानी कि जो खून के जो रिश्ते हैं, समुदाय है, किसी समुदाय में रहने वाले लोग हैं, वहां पर जो भी खून ब्लड ब्लड से रिलेटेड, यानी जिसका ब्लड सेम है ना, सेम ग्रुप के जो ब्लड ग्रुप के वाले लोग होते हैं उनकी जो रिलेशनशिप होगी वो जुड़ जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा स्कूल। लेकिन यहाँ पे ईयरशिप में क्या है, सपेंडा कहते हैं, वो आएगा तभी बाद में पिंड ऑफस्प्रिंग, यानी कि उसके जो आने वाली जो संतानें हैं, है ना, तो उससे रिलेशन बैठाया जाएगा, ना कि आपस में रिलेशन बैठाया जाएगा, ठीक है। वहां पर कुछ स्पिरिचुअल बेनिफिट हो जाता है, धार्मिक जो है मान्यता है कि धर्म के प्रति जो है लोगों की आस्था होती है, धर्म से क्या होता है, बेनिफिट मिलता है, लाभ पहुंचती है लोगों को, ठीक है, इसको कहते हैं ईयरशिप। तो यहाँ पे क्या है कि द ईयरशिप अराइज बाय मीन्स ऑफ द पिंडा ऑफ स्प्रिंग्स स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। चलिए तो इस तरह से हम लोग जो है मिताक्षरा और दयाभाग स्कूल में कुछ डिफरेंस देखें, जिसमें हमारा क्या था, जिसमें हमारा पहला था इस ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली में हम लोगों ने देखा कि सन, ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन एक्वायर द राइट बाय बर्थ, जन्म से उनको अधिकार है अपनी पूर्वजों की संपत्ति पर, जबकि दयाभाग स्कूल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें ठीक इसके अपोजिट है। तो क्या है मतलब उसमें किसी भी तरह का अधिकार नहीं है, उसमें अधिकार तब होगी जब उस जो भी उनके पूर्वज है उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद होगी, ठीक है, यानी जैसे उसके पिता या दादा के। उसके बाद हमारा आता है सर्वाइवरशिप, सर्वाइवरशिप में भैया ब्रदर्स जो होते हैं, कोई दो भाई हैं, उनको मिल जाती है प्रॉपर्टी, संपत्ति पिता से, और क्योंकि उसके पास अधिकार है सर्वाइवरशिप करने का, ठीक है। और दयाभाग में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है।
विडोज राइट अधिकार में ऐसा है कि इसमें भाई जो होते हैं दो, उनकी एक की मृत्यु अगर होती है तो विडोज जो है शादी कर सकते हैं, ठीक है, सक्सीड टू द हेयर। लेकिन दया विभाग में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो सक्सीड नहीं कर सकते हैं, उनको मेंटेन्स रखना है इस स्थिति में, ठीक है। चौथा हमारा आता है जो डिफरेंस करते हैं मिताक्षरा और दयाभाग स्कूल में है, उसमें है सपिंडा और ओयरशिप। सपिंडा क्या है, तो जो रिलेशनशिप होते हैं, जो इसके संबंध हैं, वो तभी होगी अकॉर्डिंग टू द ब्लड, यानी कि जो ब्लड है, ब्लड यानी कि जो रक्त है, अगर मिल जाते हैं किसी समुदाय के, तो वो समुदाय में रहने वाले जितने भी हैं उन सबका रिलेशनशिप जैसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो दयाभाग स्कूल है उसमें ठीक अपोजिट है, इसमें आने वाली जो संतान ऑफस्प्रिंग्स हैं उसमें उनके रिलेशनशिप को एडजस्ट किया जाएगा, वो एयरशिप तभी आएगा, एयरशिप राइजेस बाय मींस ऑफ द पिंडा ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। तो कैसा लगा आज का ये डिफरेंस बिटवीन द मिताक्षरा एंड दयाभाग स्कूल? तो इस तरह से आप सभी देख सकते हैं कि हम सभी जो है जा रहे हैं कैटेगरीज वाइज में। हम लोगों ने एलएलबी फर्स्ट ईयर जो है स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कि हम लोग जो है फर्स्ट ईयर में जितने भी कंसेप्ट हैं हिंदू लॉ के, हम लोगों ने अब तक देखा, जिसमें हम लोगों ने हिंदू को डिफाइन किया, हिंदू कौन है, हुआ हिंदू, है ना। उसके बाद प्रॉपर्टी को धीरे धीरे का, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के बारे में देखा, हम लोगों ने जाना समझा एंशेंट हिंदू लॉ और मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े, इसमें हम लोग मिताक्षरा दयाभाग देखे, है ना, वेद के बारे में समझे, हम लोग नॉलेज उसको ज्ञान से मिलती है। फिर हम लोग ने स्मृति श्रुति के बारे में जाना, है ना, ये सारे के सारे कंसेप्ट, है ना, हम लोगों ने देख लिया है। और हम लोग जो है अब आने वाले जो लेक्चर है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा पार्ट वन फर्स्ट जो हमारा जो लेसन है वो है हिंदू मैरिज एक्ट से, हमारा जो हिंदुओं में जो शादी होती है वो कैसे होती है, हम लोग हाउ कैन वी डिफाइन मैरिज, हम लोग मैरिज शादी को कैसे डिफाइन करें, है ना। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट लागू हुई थी, उसको उसके आधार पर हम लोग बेसिस पे देखने वाले हैं, और हम लोग हिंदू के मैरिज के बारे में बहुत सारी जानकारी को समझेंगे, जानेंगे और सीखेंगे। तो इस तरह से पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।